वेलकम बैक टू MH ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस बस आज देखिए, आज है हमें यहाँ पे फिफ्थ डे, गुजरात में फिफ्थ डे है और आज हमारा प्रोग्राम है जंगल सफारी का। कल के ब्लॉग में आपने देखा समुद्र में एंजॉय, फन, मस्ती, सब कुछ देखा, बट आज जंगल सफारी है। और जंगल सफारी के अलावा यहाँ पे किले भी हैं कुछ। किले कौन कौन से हैं अभी वो आपको आगे आगे ब्लॉग में पता लग जाएंगे। तो वहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं आज और जंगल सफारी भी करेंगे। चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रिकॉर्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है गाइस, इन्जॉय के साथ साथ रिकॉर्डिंग करने में बड़ा वो रहता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करा करिए आप लोग। चलिए तो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फैमिली से मिलवाएंगे, एंजॉय फन। बस इसी तरह से मनोरमा सौरभ ब्लॉग्स के साथ एंजॉय करते रहिए आप लोग, बस सपोर्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए आगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो कुछ है ही नहीं। चलिए तो बने रहिए एंड तक ब्लॉग में, करिए एंजॉय फन गुजरात ट्रिप ब्लॉग्स। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पे 3 दिन। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं ये देखिए धर्मशाला में, और लोग भी ठीक हैं, काफ़ी ठीक हैं। वॉशरूम जो होता है इनमें अटैच्ड होता है, वॉशरूम के अंदर लगभग 20 हैं टॉयलेट। एक साइड में वन साइड में टॉयलेट हैं और सामने जस्ट उसी में अंदर बाथरूम है, अटैच्ड नहीं है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हमारे हरियाणा से और यूपी में अटैच टॉयलेट होते हैं, ज़्यादातर वही मिलते हैं तो, और छोटे छोटे हैं उनमें तो। बाकी जो जितनी भी बड़ी धर्मशालाएं हैं इनमें सामने आमने बिल्कुल सेपरेट है, काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम है सिर्फ फिशेस की, मछलियों की बदबू जो आती है ना वो सांस में थोड़ी सी सांस में आती है। तो बस यही मेरे को थोड़ी सी यहाँ पर गुजरात में दिक्कत लगी समुद्र की वजह से, और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं है, हैबिचुअल हो गए हैं, हैबिट में आ गया है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा हमको लग रही है ये चीज़ कि थोड़ी सी बदबू आ रही है, बस बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो मज़ा ही मज़ा है, इन्जॉय है, फन है और अच्छा लगता है। कुछ अलग सा कल्चर है यहाँ पर, लोगों से मिल रहे हैं और खाना बिल्कुल डिफरेंट है हमारे यहाँ से, हरियाणा से खाना तो बिल्कुल डिफरेंट है। मीठा खाते हैं ये लोग, मीठा मीठा ही खाते हैं, जो भी इनका खाना होता है सब में मीठा मीठा ही होता है। तो चलिए, सब जगह की अलग अलग हिसाब किताब होता है, सब जगह लोग है होते हैं उसी तरह का खाना पीना। बस पसंद की बात है, हम लोगों को थोड़ा कम ही पसंद आ रहा है क्योंकि हम लोग तो स्पाइसी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, और मिर्च मसाले वाला स्टार्टिंग से खाया है तो इस वजह से लगती है हमें। ये है कि देखिए हर मोमेंट को इन्जॉय करिए, फन करिए, हर जगह पे जाइए, देखिए, दुनिया देखिए, भारत देखिए, विजिट करिए, बस काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1 वीक का हमारा टूर था पूरी फैमिली का, रील्स वीडियो आप लोगों ने वॉच करी होंगी, काफ़ी रील्स वीडियो मैंने बनाई है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, फॉलो करते रहिए, बढ़ाते रहिए। सभी लोग तैयार हो चुके हैं हमारी फैमिली के, सब रेडी हो गए हैं, सामान वामान सब, आधे कपड़े गीले हो गए थे कल समुद्र वगैरह में, तो देखिए किस तरीके से रखे हुए हैं। पूरी फैमिली हो गई रेडी जाने के लिए। तो बस हम लोग अब चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, अब देखते हैं जहाँ भी किले वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे स्टे करेंगे, अब नाइट स्टे। एक दो दिन का और ट्रिप है बस, फिर फाइनली घर पर। बने
पापा पापा मेरा बेटा वंश बैठ गया, इसने कैब खरीदी थी ये वाली, बस धूप ज्यादा हो रही है, थके थके सो गए हैं बच्चे ना, तीन चार दिन के ट्रिप में, देखिए तीन चार दिन ज्यादा क्या करना है, सफारी के लिए रेडी हो चुके हैं और ये देखिए टी शर्ट डायनासोर वाली टी शर्ट पहनी है और निक्कर भी डायनासोर वाला है, देखिए तैयार हो गए जीप वाला और वंश भी रेडी हो गया, टैंकर वाला जीप टैंकर तो गाइस बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी बहुत काफी जंगली एरिया है यहाँ पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जंगली जंगल है काफी और पहाड़ी इलाका भी है थोड़ा सा, अच्छा है काफ़ी एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है, देखते हैं लेकर चलते हैं आपको फटाफट गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। गाइस तो अभी जंगल सफारी स्टार्ट करने से पहले कर रहे हैं बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे, तो उससे पहले सोचा कि चलिए बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं और हम भी खा लेते हैं, सभी लोग भूख लगी है क्योंकि टाइमिंग काफ़ी हो चुकी है, इस टाइम तक 12 बज गए हैं, तो बस सब लोग खाना वाना खाएंगे और उसके बाद एंजॉय कराएंगे आपको जंगल सफारी गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। और चलिए देखते हैं, हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, हमें भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बाकी थोड़ा लेट ही हो गए हम लोग, अगर यहाँ आना हो तो सुबह मॉर्निंग में 8-9 बजे आ जाइए, बुकिंग वगैरह जो होती हैं इसकी जाली वाली यहाँ पे जीप हैं, ओपन जीप हैं, बसेज हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट क्या है कि उनकी पहले से बुकिंग हो जाती है, हम ले रहे हैं ओपन जीप ही ले रहे हैं, तो देखते हैं अब कैसा है गिर नेशनल पार्क, शेर चीता या कोई भी एनिमल हमको दिखता है या नहीं, चलिए बने रहिए आप लोग एंड तक ब्लॉग में, दिखाती हूँ मैं आपको और कोशिश करती हूँ सारा रिकॉर्ड करने। देखिए हमारे बच्चे बैठ रहे हैं खाने के लिए, आप दूर बैठो उससे, अलग बैठो, आप मम्मी के पास बैठो, आप जाओ जाओ वहाँ बैठो, तो इसके पास जो परेशान कर रहा है उसके पास मत बैठो, बिल्कुल भी मत बैठो, जो परेशान कर रहा है उसके पास बैठना ही नहीं है, अलग सी चीज़ें होती हैं और नेम भी ना सब्जियों के बिल्कुल अलग से होते हैं, हिंदी इंग्लिश ये लोग दोनों में लिखते हैं, ये देखिए समझ ही नहीं आता क्या है क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता, गुजराती लैंग्वेज तो समझ ही नहीं आती मुझे, किस किस को समझ में आती है कमेंट में बताइएगा, ये देखिए गुजराती थाली, फूड भी बिल्कुल डिफरेंट ही होता है यहाँ का, ब्रेकफास्ट में मंगाए हैं आलू के पराठे, दही, चीनी वाली दही, सब लोग खा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मी भी खा रही हैं आलू के पराठे दही, बच्चों की मैगी आ गई है, खा रहे हैं ये लोग एंजॉय कर रहे हैं मैगी, सबकी फिनिश होगी, आपकी क्यों नहीं हुई फिनिश, सबकी होगी, देख इसकी खाली होगी प्लेट, सबकी होगी, ब्रेकफास्ट हो गया है पूरी फैमिली का, खा लिया है और जीप की है ओपन वाली, ओपन जीप में बैठेंगे, लेकिन कोई डर तो नहीं लगता, बट ये है कि हाँ बच्चों का मैं सोचती हूँ, बच्चों को डरा रहे थे कि शेर चीते जो कूद के आ जाएंगे जीप में,
आगे ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी निकल रहे हैं ओपन ये उसमें बैठेंगे। जंगल सफारी के लिए रेडी हो गई है पूरी फैमिली। बंसी आप बैठा रहे हो आगे या छोटी वाली मंदिर में? सब लोग जीप में बैठ गए हैं, ये देखिए दिखाते हैं आपको। चलो बच्चों हेलो बोलो, सबको हाय बोलो। तो गाइस बस एंजॉय करेंगे, चल रहे हैं जंगल सफारी फाइनली। मैं भी बैठ जाती हूँ जीप, जीप की रील्स वीडियो बना रही हूँ। देखिए अपने पापा की बहुत चिंता है इसको। सोनाक्षी बैठी है वंशी, पापा वंशी नहीं दिख रही है वंशी। सब बैठ गए एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए। फन क्या, डर भी लग रहा है थोड़ा सा। मैं सोच रही हूं कि आना जीप में, वैसे तो आने वाले नहीं है, ऐसा है नहीं। काफी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी क्या ये लोग काफी अच्छे से मतलब मेंटेन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सारी चीजें। So blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see you, guys, देखते हैं यहाँ पे, बता रहे हैं भैया कि मगरमच्छ हैं। बस मगरमच्छ ट्रैकिंग बस उतरे हैं देखने के लिए, देखते हैं ट्रैकिंग वगैरह का बता रहे हैं कुछ। गाइस ज़्यादा तेज बोलूँगी नहीं क्योंकि मना किया है कि ज़्यादा तेज बोलना नहीं है, क्योंकि एनिमल्स का भरोसा नहीं है इंसानों की आवाज़ सुन के कहीं आ जाए, इस वजह से थोड़ा वॉल्यूम मेरी स्लो रहेगी वीडियो से। डर रहे हो क्या आप? गाइस देखिए यहाँ पे मगरमच्छ बता रहे हैं, ये देखिए ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा आपको, एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो गाइस यही कुछ एरिया है, और अभी देखकर आए हैं क्रोकोडाइल। काफ़ी दूर से दिखाई दे रहे थे, दूर से देखे हैं काफ़ी हम लोगों ने, और दूर से दिखाते हैं। ट्रैकिंग का है, बस ट्रैकिंग कर सकते हैं थोड़ी सी दूर जाकर, ये है। बाकी गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत पड़ रही है इस टाइम पे। तो पीछे से बह के आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें तो, ठंडा ठंडा सा बह रहा है पानी, तो बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे चल रही है फोटो सेशनिंग हमारे बच्चों की। आओ भाई बैठो सब, चलो बैठो। कांटे वांटे हैं जरा बच के, गाड़ी रोड पे कांटे वांटे हैं, उतर आंख वाँख में ना लगे, आंख बचा लेना अपने चश्मे लगा लो इसीलिए। कुछ भी नहीं है गाइस, दूर दूर तक ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जंगली जंगल बस। बच्चे वैसे डर तो रहे नहीं है, वैसे हमारे आराम से स्ट्रॉन्गली बैठे हुए हैं। पेट में पानी हुआ बड़ा है, मैंने बोला कि
शेर नहीं देखना, नहीं शेर हमें देखना, ना मैंने देखना भैया, जीवन जीना है गाइस, अभी और जिंदगी आधी बाकी है, ऐसी ऐसा एंजॉय नहीं करना जो जान पे आ जाए। कल वैसे समुद्र में एक जंग लड़ के आए हैं, गिर गए थे समुद्र में, ज़्यादा जान देने की शौक है भाई। अभी दिल्ली का जू देखा था, वो भी दूर से, वो भी इतनी रेलिंग्स वगैरह लगी रहती हैं दूर से, काफ़ी सेफ्टी के साथ, क्योंकि आज तो बिल्कुल प्योर जंगल में ही चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है किधर से आ जाए। खैरियम आप लोग एक्सपीरियंस मत लीजिए, मत करिए, थोड़ा सा डर लगता है अंदर से कि बाई चांस देखिए रिस्की है। ये देखिए हिरण दिख रहे हैं यहाँ से सामने से। हमारी फैमिली के लोग हैं, मेरा भाई है, दिल को तसल्ली दे रहे हैं, लोग गांव हैं, खेती बाड़ी है, यहाँ से नहीं दिखेगा, बाकी अगर दिख गया सब इंजॉय सही है। गाइस तो अभी कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं थोड़ा सा, देखिए ये सब खा रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, और अब इसके बाद फिर से जाएंगे जंगल सफारी के लिए, देखते हैं। मैं तो चाहती नहीं हूँ कोई जानवर दिखे, क्योंकि डर ही इतना लग रहा है, बच्चों के लिए लग रहा है, कहीं बच्चे डर ना जाए। तो बस अभी थोड़ा सा पानी वानी पी रहे हैं, खा पी रहे हैं कुछ, तो बाद निकले। गाइस तो बहुत तेज बारिश आ गई है, देखिए भीग गए हम लोग थोड़े से।
ये देखिए बारिश आ रही है, बस अभी रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए, इसके बाद देखते हैं कंटिन्यू करेंगे, अभी तो काफ़ी बारिश आ गई। तो गाइस बारिश रुकने के बाद आ गए हैं फिर से जंगल सफारी में, क्या बहुत सुहाना एकदम अच्छा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी लग रही थी बहुत गर्मी हम लोगों को, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब हो रहा है, अब ये कह रहा है मेरा भाई कि भगवान को फ़ोन किया है इसने तो उन्होंने बारिश भेज दी। वाकई में मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, वाकई बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गाइस बारिश पड़ रही है बहुत तेज़, ये देखिए, और बारिश के अलावा ओले पड़ रहे हैं, ओले, बस हम लोग बैठ गए हैं यहीं पर, फट वाट से मिल गई है हमें, बैठ गए हैं, देखिए अभी हम लोग रुके हैं, देखिए यहाँ पे हमें मिले हैं ये प्यारे प्यारे से, ये देखिए हैमस्टर है, रैबिट नहीं है। अच्छा इतना प्यारा था, देखिए देखिए खा के चराइए, ए छोटी चिंदी मुंदी, ये देखिए गाइस, ये देखिए वो चाट रहा है, क्या क्या लग गई, ये कौन लग गया, ये क्या खा रहा है, ए मार मत, बैठे घाटों पे इस तरीके से, यहाँ पे ये जगह मिल गई हम लोगों को बैठने की, यहाँ पे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या है इनमें, चिड़िया चिड़िया बैठी है, ओ भाई ये देखिए चिड़िया बैठी है, और देखिए यहाँ पे चूल्हे पे खाना बन रहा होगा, तो यहाँ पे चूल्हा भी है, देखिए मर बच्चियों को यहाँ का भी, यहाँ पे भी इंजॉयमेंट का साधन मिल गया, देखिए रैबिट मिल गया, खिल्ली लग जाएगी, पार था डाले पैर डाले इससे पैर डाले, हाँ कहाँ जाना है, 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 कहाँ जाना है। गाइस बनी की याद आ रही है, ऐसे देखिए हमारे पास भी ऐसा रैबिट था, बनी था, अरे खोद खोद के आ रहा है, खोद खोद के ऊपर खोद रहा है, बनी खोदता था, ऐसे बनी खोदता था, ये हमारे बच्चों को झूला मिल गया है, यहाँ पे ये खाट पे झूल रहा है मस्त आराम से, चाय मंगवा लिए, बारिश पड़ रही थी तो देखिए चाय मंगवा लिए, मेरी चाय ये नहीं, सब लोग चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, और देखो वहाँ पे देखो उन बच्चों को खाट पे मजे मस्ती कर रहे हैं ये लोग, कितनी होगी, गिन लो ना, गिनी नहीं थी, सही है, दस चाय कितनी थी, आठ है, पांच हमने ले ली, मुझे भी। तो गाइस गरम गरम चाय बारिश के मौसम में खाट पे बैठ के, देखिए खाट मिल गई है, बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल गई है, खाट पे बैठे आराम से मस्त और अब लेटेंगे, बने रहिए आप लोग एंड तक, ऐसे एंजॉय करते रहिए, चाय पी लीजिए हमारे साथ आ जाइए। निकलने के लिए बात जी, पता नहीं खोद के कहाँ जा रही है, कोई मिट्टी थोड़ा गड्ढा थोड़ा कहाँ जाना है पता नहीं, इसको वहाँ जाना है, अपने अपने बहन भाइयों के पास, अपने बहन भाइयों के पास जाना है इसे, देखते फिर से खोदना शुरू, ले जाओ जाओ ले जाओ, मम्मी के पास पागल आदमी है तू, पागल आदमी है, प्लीज अटक गई है, देखिए हमारे पास बनी था ऐसा पहले, पहले था हमारे पास ना प्यारा सा बनी था, इसको गोला बनने दो, गोला बनने। तो गाइस जंगल सफारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब हम लोग बैठ रहे हैं बस में,
डर लगा था थोड़ा सा, बीच में लग रहा था कि कहीं आना जाए शेर। बाकी ये है कि हाँ इन्जॉय किया थोड़ा सा लगा, लेकिन यह है कि इन्जॉय भी पूरा किया। चलिए तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। आज भी मैंने काफ़ी रील्स वीडियो अपलोड किए हैं। तो बस अभी बैठेंगे बस में सभी लोग, और आगे का व्लॉग एंजॉय करिए आप। देखिए हमारा किले वगैरह पे जाने का है, कोई किला है तो बस वहाँ जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे किला वगैरह, वहाँ पर लेके चलेंगे आप। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। सी यू अगेन, बाय बाय।